हम लोग आज सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले सेल के बारे में हमें सेल के स्टडी को जानना पड़ेगा। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, साइटो साइटोलॉजी वर्ड रेफर करता है, साइटो का मीनिंग होता है सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सबसे पहले इन ईयर 1664 अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट कुक हु गैव द टर्म सेलुला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द डिस्कवरीज ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी देखते हैं अपन। अगर सेल की डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले जो सेल देखे थे, वो सेल देखने वाला साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक नाम था। इन ईयर 1664 के अराउंड में ये देखे थे। इन्होंने क्या देखा था? ये जब एक प्लांट का सपोज करते, कोई एक प्लांट है, प्लांट के किसी एक पार्ट को इन्होंने कट किया, और एक पार्ट को जब इन्होंने कट किया तो उसमें देखा कुछ ऐसा हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ऐसा कुछ हेक्सागोनल शेप के, हनीकॉम शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो गैप था बीच में, इनमें जो उनको गैप दिख रहा था, ये बात कभी 1664 के आसपास था, ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप को उन्होंने वर्ड यूज किया इस गैप के लिए सेलुला। क्या वर्ड यूज किया उस गैप के लिए उन्होंने? सेलुला, ठीक है। ये पूरा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल सेल्स थे, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे उनके अकॉर्डिंग। उनके बीच में कुछ गैप्स थी, वो गैप से एक बाउंड्री, उन्होंने बोला कि इन दो बाउंड्रीज होते, डिफाइंड बाउंड्री होते, वॉल्स होते हैं, उनके बीच में क्या रहती है? गैप्स होती है। इस गैप के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया सेलुला, और इसी वर्ड को आज हम मॉडिफाइड करते हैं और वर्ड देते हैं क्या नाम? सेल नाम देते हैं। सेल मतलब क्या हुआ उनका? कि कोई एक सेल होता है जिसके चारों तरफ बाउंड्रीज होती है, ठीक है। इसीलिए सेल वॉल, यहीं से टर्म ओरिजिन हुआ, मतलब सेल वॉल टर्म गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल फर्स्ट सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक। हमने ये जो प्लांट देखा, ये प्लांट एक्चुअली मैं ऐसा बना, बट ये प्लांट कैसा? डेड सेल था, ये उन्होंने डेड प्लांट के देखा। तो मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या प्लांट? डेड प्लांट है, ठीक है, ये डेड प्लांट है। इन्होंने डेड प्लांट के अंदर में एक लकड़ी का, मतलब जो आप देखो कॉर्क, कॉर्क के अंदर में इन्होंने इस चीज को देखा था। तो इन्होंने क्या क्या बोला? सबसे पहला सेल डिस्कवरी, सबसे पहला सेल कौन, किस किन्होंने देखा? रॉबर्ट हुक ने। सेकंड, डेड सेल या प्लांट सेल, फर्स्ट प्लांट सेल, डेड सेल, सेल वॉल, ये सारी बातें किन्होंने देखा था? ये सारी बातों को रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्या क्या देखा था इन्होंने स्टार्टिंग से करते? एक प्लांट देखा, कैसा प्लांट था? डेड प्लांट था। डेड प्लांट के अंदर में क्या देखा उन्होंने? कुछ खास स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स बने जो हनीकॉम शेप के थे। इन स्ट्रक्चर जो थे वो सराउंडेड थे कोई वॉल से, ठीक है, कोई लेयर से सराउंडेड थे, आउटर मोस्ट लेयर से, और उनके बीच में कुछ स्पेस देख पा रहा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और या फिर माइक्रोस्कोप उतने एडवांस लेवल के नहीं थे, तो अंदर वाले पार्ट्स को देख नहीं पाए थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? सेलुला नाम वर्ड यूज किया था, सेलुला नाम दिया था, क्योंकि सेलुला सराउंडेड होता है कोई वॉल्स के साथ में, और उसी वॉल को आज हम बोलते हैं वॉल, या और सेलुला क्या बोलिए वर्ड यूज करते हैं? सेल सेल, तो मिला के हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल बोलते हैं। तो टर्म सेल वॉल गिवेन बाय, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नेट वगैरह में कि सेलुलर सेल वॉल इज गिवन बाय, ठीक है। आपके सामने चार पांच साइंटिस्ट के नाम रहेंगे, तो हमें याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? सेल वॉल का टर्मिनोलॉजी दिया था। फर्स्ट सेल डिस्कवरी किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। फर्स्ट प्लांट सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। फर्स्ट डेड सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, यहां तक सबका बात क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है
लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आते हैं सेकंड पोजीशन पे जो है, एवी लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था, इनका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने फर्स्ट टाइम, अगर मान लो कोई एनिमल अपन ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, फर्स्ट टाइम एनिमल का सेल देखा था। इन्होंने क्या देखा, कोई एक एनिमल, मान लो ह्यूमन ही है ये, कोई एक एनिमल था, उनका फर्स्ट टाइम सेल का ऑब्जर्वेशन किया था इन्होंने। फर्स्ट टाइम सेल इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा, लिविंग के अंदर में सेल का ऑब्जर्वेशन किया था। तो फर्स्ट लिविंग सेल देखा था इन्होंने, फर्स्ट एनिमल सेल भी किसने देखा था, एवी लिवेन हुक ने, ठीक है। क्या क्या देखा था इन्होंने, फिर से एक बार बात करते हैं, क्या देखा इन्होंने, एक कोई एनिमल मान लेते हैं समझने के लिए, ह्यूमन ले लेते हैं, कि इन्होंने ह्यूमन भी क्या है, एक एनिमल ही है, ठीक है। तो एनिमल का इन्होंने क्या किया, लिविंग एनिमल का ये कैसा लिविंग कंडीशन में था, इसका इनका इन्होंने क्या देखा, सेल के बारे में देखा कि कुछ मटेरियल्स यहाँ भी है, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल, बट ये बता नहीं पाया, सेल वॉल वगैरह के बारे में कुछ बता नहीं पाया था ज्यादा, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे सेल यहाँ भी प्रेजेंट है और यही सेल से मिलकर पूरा ह्यूमन बना हुआ रहता है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने देखा और फर्स्ट एनिमल सेल इन्होंने देखा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो डिस्कवरी की बात हो गई। अगर अब डिस्कवरी के बाद अगर बात करें अपन आगे सेल के बारे में, जो सेल वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल बेसिकली है क्या, हमने बात किया सेल, डिस्कवरी भी देखा सेल, ठीक है, कि सेल ऐसा था, सेल का वो था, बट सेल क्या होता, सेल क्या है, सेल को लोग बोलते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अब जब इस पढ़ेंगे इसको, ये क्या बोल रहा है कि सेल इज स्ट्रक्चरल, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चरल का, फंक्शनल का एंड फंडामेंटल का। देन एक वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे यूनिट, किसके लिए, लाइफ के लिए, मतलब जो सेल पढ़ते हैं वो कि लिविंग्स के लिए पढ़ रहे हैं जनरली, ठीक है। लाइफ में अगर ये कोई पर्सन, एक बंदा कोई जिंदा है, तो उसके लाइफ में कैसे ये सारे सेल का डिस्कवरी हुआ, सेल कैसे बना, उसके बारे में बताता है। क्या बोलता है अपना डेफिनेशन, सेल अपने आप को क्या बताता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका बोलने का क्या मीनिंग है, ये बोलना चाहता है कि जो सेल है ये अपना स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो आप क्या, ये सेल है पूरा, अपना स्ट्रक्चर कौन बना रहा, खुद बना रहा, सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल। इसके अंदर भी कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, हमें पता है ये सारी बातें, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, आरएनएस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके पास वो सारे सुविधाएं हैं जो एक लिविंग को चाहिए। तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर तो इन्होंने खुद बना लिया, फंक्शनल जो एक लिविंग के लिए चाहिए, क्यों पढ़ रहे, लाइफ के लिए, तो एक लाइफ के लिए जो फंक्शन जो सारे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन कर रहा है, एक ही कर रहा है, सेल पूरा, होल सेल अकेला है यूनिट। अभी देखेंगे इसको, फंडामेंटल, फंडामेंटल इनको लाइफ के लिए जितना कुछ का रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजों की जरूरत है, वो क्या कर रही है, अकेला ही, एक ही सेल है, ए सिंगल सेल है, वन सेल। अब क्या होगा, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई और सेल आ गया, और सेल आ गए, और सेल, ऐसे करके बहुत सारे सेल आ गए, फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर बहुत इन्फिनिटी सेल्स, बहुत सारे सेल्स आ गए, बहुत सारे इन्फिनिटी सेल्स आ गए, तो ऐसे मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल मिल जाते हैं, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक सेल को देख रहे हो आप, या इससे ही बहुत सारे सेल मिल रहे हैं, जो आप ये देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं,
तब जाके हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लेट सपोज करते हैं कोई किसी भी ह्यूमन ऐसे बन रहा है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बन रहा, मतलब क्या, एक सेल से स्टार्ट हो रहा, एक सेल से स्टार्ट हो, दैट मींस यूनिट है, किसका यूनिट है, लाइफ का यूनिट है। तो अब फिर से पढ़ते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरली फंक्शनली एंड फंडामेंटली, इसको लिविंग के लिए जो भी चीजों की जरूरत है लाइफ के लिए वो अकेले कर रहा, फंडामेंटली यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन, ठीक है। हमने क्या बोला डेफिनेशन में, एक बार सुनिए, सेल इज स्ट्रक्चरली फंक्शनली फंडामेंटली यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर खुद बना रहा, फंक्शन इनके अंदर में जो जो रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स, वो सारे फंक्शंस कर रहे, किसके लिए कर रहे, लाइफ के लिए, जो फंडामेंट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके लिए कर रहे हैं। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब ये पूरा सेल के बारे में हम लोग जाने। अब अलग अलग थ्योरीज आई हैं, और अलग अलग, अब थ्योरीज की बात करें, बेटर अब थ्योरीज की अगर बात करें, अपन देखते हैं थ्योरीज में, बेसिकली अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या जो हमारे एनटीए की अभी नई एग्जाम स्टार्ट हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाली, अगर उनके बेसिस पे देखो तो एनसीईआरटी वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अभी अपन एनसीईआरटी वाली पहले सारी चीज बातों को देखेंगे, देन उससे थोड़ी आगे बढ़ेंगे। तो अगर सेल की डिस्कवरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ भी जब सेल की, अब थ्योरीज की ऊपर चलेंगे। पहला एक ए हम लोग का क्या था, डिस्कवरी था, ए पॉइंट हम लोग का डिस्कवरी वाली बातें थी। सेकेंड में हम लोग क्या बात करेंगे, थ्योरीज के बारे में, ठीक है। अगर सेल की बात करें, बी पॉइंट में हम लोग आए सेल थ्योरीज के ऊपर में, सेल थ्योरीज के ऊपर में हम लोग आए, अगर सेल थ्योरीज की अपन बात करें, तो सेल थ्योरी में सबसे फर्स्ट नाम जो आता है वो नाम आता है शेल्डन साहब का, मैथियस शेल्डन इनका नाम है। ये 1838 में इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट टाइम क्या देखा इन्होंने, फर्स्ट टाइम देखिए मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखा, एक प्लांट को देखा, ठीक है। प्लांट से इन्होंने कोई यूनिट को कट किया, लेट सपोज करिए इस यूनिट को उन्होंने प्लांट से निकाला बाहर, इसको मैग्निफाई किया, मैग्निफाई करके इन्होंने देखा ये प्लांट्स कुछ स्पेशल हेक्सागोनल, जैसा पहले कॉर्क में देखा गया था, रॉबर्ट हुक साहब ने देखा, तो उसी तरह के इन्होंने क्या देखा, कुछ हेक्सागोनल स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं प्लांट के अंदर में, और ये प्लांट कैसा था, लिविंग प्लांट था, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा था। तो उन्होंने बोला ये तो पहले से अपन को पता है क्या रहा था, एक सेल था। तो उन्होंने बोला कि जो प्लांट होता है वो प्लांट कैसे रहता है, वो बहुत सारे, मान लेट सपोज कि ऐसे 1 2 3 करके कुछ बिलियंस ऑफ सेल्स तक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो प्लांट होता है बहुत सारे सेल्स के एक यूनिट से मिलके बनते हैं, या इसको अच्छे से बोल सके तो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, किसके अंदर टिश्यू है, प्लांट के अंदर है। इसलिए बोला, इन्होंने बोला कि जो एक प्लांट हो बना हुआ हो, तो एक प्लांट जो बनता है वो प्लांट टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। इन्होंने क्या बोला, शेल्डन साहब ने, मैथ्यू शेल्डन ने क्या देखा 1838 में, जो प्लांट होता है उसका क्या किया, इन्होंने मैग्निफाई किया, कोई सेक्शन कट करके निकाला, उसमें उन्होंने देखा कि जो प्लांट है उसमें हेक्सागोनल सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये कहाँ देख रहे थे इन्होंने, प्लांट में देखा था, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या बोला कि प्लांट टिश्यू बोला इनको, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू इनको बोला, और ये बोले कि ऐसे बहुत सारे प्लांट टिश्यू मिल के पूरा क्या बनाते हैं, एक प्लांट का पूरा फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, किसके बारे में बताया, हमें प्लांट सेल के बारे में बताया। जो शेल्डन साहब थे ये क्या थे, चूंकि प्लांट के बारे में बता रहे, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे, ये बोटेनिस्ट थे, कहाँ के थे, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्लांट सेल का डिस्कवरी किया था। इसके बाद इन्होंने बोला कि
कि जो प्लांट सेल होता है उसमें आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या बोला? प्लांट जो बहुत सारे सेल से मिलके बनाता है, जिसको टिश्यू बोल रहे अपन, वो प्लांट टिश्यू, या अगर एक यूनिट की बात करें टिश्यू का, एक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है जो बहुत हार्ड, नेचर कैसा, फर्स्ट टाइम नेचर बताया था इन्होंने कि हार्ड नेचर का होता है। सेल वॉल कैसा नेचर का है? हार्ड नेचर का। फर्स्ट टाइम किसने बताया था? शेल्डन साहब ने बताया था। कैसा नेचर रहता है? हार्ड रहता है नेचर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज शेल्डन थ्योरी और बॉटनिस्ट का जो था। क्या हो गया, तुम सो गया? एंड सेकेंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन जूलॉजिस्ट। सेकेंड थ्योरी इज एक साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट थे इनके जस्ट एक साल के बाद आए थे, उनका नाम क्या था? श्वान, थियोडर श्वान। श्वान सब आए थे 1839 में। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? श्वान था। ये कब आए? 1839 में आए थे। इन्होंने भी क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एक साल पहले जो शेल्डन साहब ने बोला था कि जो प्लांट होता है उसके आउटर मोस्ट एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। जो सेल होता है वो आउटर मोस्ट क्या हार्ड कवरिंग रखता है, जिसको सेल वॉल अपन बोलते हैं, वैसे बहुत सारे सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से पूरा प्लांट बना हुआ होता है। तो इन्होंने चेक किया कि एनिमल में क्या कैसे होता है। तो इन्होंने एनिमल का किसी एक सेल को बाहर निकाला, एनिमल सेल में देखा कुछ इस तरीके के हेक्सागोनल के जगह कुछ इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले, जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा। फिर इन्होंने बोला, इन्होंने पहले चेक किया, इस पहले उन्होंने क्या क्लेम किया था? नेचर क्लेम किया था सेल वॉल का। इन्होंने भी क्या किया, पहले आउटर मोस्ट कवरिंग जो था उसका चेक किया, तो ये जैसा उन्होंने बोला था कि हार्ड था, बट ये हार्ड नहीं, ये सॉफ्ट था, ये फ्लूइड लाइक था। कैसा था? ये हार्ड नहीं था, जब हार्ड के जगह कैसा था? सॉफ्ट था, फ्लूइड लाइक था। तो इन्होंने फ्लूइड के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लाज्मा। फ्लूइड के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था? प्लाज्मा। इन्होंने बोला कि सेल तो है अपना, ये अपना सेल तो है, बट इसके आउटर मोस्ट में हार्ड कवरिंग के जगह सॉफ्ट कवरिंग है, ठीक है। क्या क्या आउटर मोस्ट में? सॉफ्ट कवरिंग है, जो फ्लूइड जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मा वर्ड यहाँ इन्होंने दिया था। तो इनका अकॉर्डिंग क्या था कि हाँ, एनिमल सेल भी क्या होता है, बहुत सारे सेल्स से जो एनिमल रहता है, जो एनिमल्स होते हैं ये भी बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, और बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और यही टिश्यू फर्दर क्या बनाते हैं? एनिमल को बनाते हैं। यही टिश्यू से क्या बनते हैं? एनिमल्स बनते हैं। तो यही एनिमल टिश्यू सराउंडिंग एक सॉफ्ट लेयर होता है, एक सॉफ्ट कवरिंग होता है, जिसको नाम इन्होंने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम इन्होंने दिया था? इन्होंने नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने देखा था एनिमल्स के अंदर में, और एनिमल्स के अंदर में देखने के बाद में इन्होंने एक पहला बात तो ये बोला, दूसरा बात इन्होंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ हार्ड सेल वॉल इन प्लांट टिश्यू इज एन यूनिक कैरेक्टर। क्या बोला इन्होंने? एक यूनिक कैरेक्टर होता है एक सेल वॉल का प्लांट्स के अंदर मिलना, क्योंकि वो एनिमल्स में एब्सेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एक बार इसको मैं समराइज करता हूँ। इन्होंने बोला, एक सबसे पहले उन्होंने एनिमल देखा, एनिमल के सेल के बारे में देखना चाहते हो तो उन्होंने क्या देखा? टिश्यू को देखा। टिश्यू कैसे बना हुआ होता है? सेल से मिलकर, बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए थे, एक से लेकर बिलियंस ऑफ सेल से। इसका जब इन्होंने क्या देखा
आउटर मोस्ट लेयर देखा तो वो क्या था, सॉफ्ट नेचर का था, फ्लूड जैसा कुछ महसूस हो रहा था, हार्ड सा फ्लूड जैसा महसूस हो रहा था, मतलब फ्लूड हार्ड जैसा था, जैसा हनी जैसा कुछ, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या बोला कि ये प्लाज्मा जैसा कुछ है और सेल्स का कवरिंग कर रहा, तो प्लस को मेम्ब्रेन बना रहा ना, तो इसको क्या बोला, सेल्स का मेम्ब्रेन बना, इसको उन्होंने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो आप इससे पहले जो शेल्डन साहब ने देखा था उसकी बातों को इन्होंने स्टडी किया और बोला कि सेल वॉल का प्लांट से मिलना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब इन्होंने दोनों ने मिलके क्या दिया, एक कंबाइंड सेल थ्योरी दिया। अब इन्होंने दोनों ने मिलके क्या दिया, एक सेल थ्योरी दिया। इन्होंने बोला प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने जब अपना थ्योरी दिया, इन्होंने क्या बोला दोनों ने कि जो प्लांट और एनिमल हैं दोनों सेल के बने हुए होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं, ठीक है। इन्होंने ये सेल थ्योरी दिया, ठीक है। इन्होंने जब सेल थ्योरी दिया, ये पूरा सेल थ्योरी फेमस हुआ, बट इन्होंने फेमस होने से पहले किसी भी थ्योरी को एक जगह अप्रूवल देना होता है, तो ये साइंटिस्ट के पास गए, तो साइंटिस्ट इनको बोले कि आप बोल तो रहे हो, आप सही बोल रहे हो कि सेल से मिलकर बना होता है, ये सेल कैसे बना हुआ होता है, ठीक है, कि आप जो बता रहे हो, उन्होंने क्वेश्चन किया वहां पे, सेल किससे बना हुआ होता है, सेल कैसे बना बनता है, और सेल के प्रोडक्ट, पहले तो आप ये बता दो कि सेल कैसे बनता है, ठीक है, अब उसके बाद बताना कुछ, तो पहले तो आप ये बता दो। तो ये आंसर नहीं कर पाए कि सेल कैसे बनता है। देन इस कहानी में तीसरे जो किरदार आते हैं, जो तीसरा साइंटिस्ट है, रडल्फ विक्रूट साहब या वर्चो साहब, ये आते हैं, ये 1956 के अराउंड आते हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, ये सेल डिवाइड करते हैं और नए से, लेट सपोज करते कोई सेल वन था, इससे वन एंड टू दो सेल बन गए, कोई सेल डिवीजन करता है और इस डिवीजन से दो सेल को ओरिजिनेट होता है, डिवाइड होता है। इसके लिए उन्होंने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग जो सेल था, प्री एग्जिस्टिंग सेल ही दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, मतलब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, जैसे एक डॉटर सेल लिए दूसरे डॉटर सेल लिए, तो उन्होंने इसके लिए वर्ड किया ओमनी सेलुला, ई सेलुला वर्ड दिया था अपने लैंग्वेज में उन्होंने, जिसका मीनिंग क्या होता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो फिर इस थ्योरी को क्या किया गया फर्दर, फिर इस थ्योरी को जो हमारा सेल थ्योरी था इसको मॉडिफाई किया गया, इसको क्या किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाइड करने वाला साइंटिस्ट का नाम रोडल्फ वर्चो था। इन्होंने क्या किया, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और इन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे हो ये सब बात सही है, ये सारी बातें क्या है सही है, प्लस आप ऐड कर दो जो आंसर आप नहीं दे पा रहे थे, सेल कैसे आया है। तो सेल कैसे आया है, सेल्स, ये तो पहला पॉइंट था अपन का, पहला सेल थ्योरी था। इसको मॉडिफाई करने के बाद में क्या दूसरा सेल थ्योरी आया, ऑल सेल्स डिवाइड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी के बारे में ये दो बातें हमें याद रखनी है। पहला क्या हो? कि जो सेल थ्योरी है, जो सबसे फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी दिया गया था, किसके बारे में, दो साइंटिस्ट थे। अब क्वेश्चन एक बार एम्स में आ चुका है, तो आप तो बस इतना बता दो कि साइंटिस्ट जो थे वो बोटेनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे। पहला क्वेश्चन था कि सेल थ्योरी गिवन बाय अ बोटेनिस्ट, अ जूलॉजिस्ट, अ बोटेनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये शायद एम्स 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको पहले तो उन्होंने बस यही पूछ लिया एनसीईआरटी से कि आप तो ये बता दो, बाकी आप बात बता रहा। एक बार और पर मुझे जितने आ रहे, बीएचयू का एक बार क्वेश्चन आया था, जब एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले, उसमें क्वेश्चन आया था कि आप ये बता दो कहाँ के बिलोंग थे, कहाँ
कहाँ से बिलोंग करते थे, जो जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। अलग अलग पहलू एनसीईआरटी के अलग अलग पॉइंट से, जो हम सोच नहीं सकते, छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आए थे, वो बच्चे बता नहीं पाए थे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिंक हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, स्ट्राइक करता है कि मॉलिकुलर बेसिस हमें पढ़ना है, मॉलिकुलर बेसिस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, हम लोग वहां का साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं, ठीक है। और वहां के साइंटिस्ट हमें ऑप्शन में देखने को मिलते ही मिलते हैं जब भी आता है, तो इनका साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इनका ओरिजिन रखना याद रखना है। हमने अभी तक क्या देखा पढ़ा, एक ओवरव्यू देता हूं, हमने अभी तक क्या देखा, हमने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी के बारे में देखा कि सेल आया कहाँ से, सबसे पहले सेल का स्टडी हम लोग क्यों किए, कहाँ से आया, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था, कॉर्क में देखा था, एक डेड प्लांट के अंदर में देखा था रॉबर्ट हुक साहब ने। फिर उन्होंने बताया था कि जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर में कुछ स्पेसेस थे जिसका नाम उन्होंने सेलुला वर्ड दिया था, वो सराउंडेड थे, कवरिंग से सराउंडेड थे, जिसका वो वॉल बोले थे, और उस सेल को, सेलुला वर्ड को आज हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं, उसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, और उस प्रोटेक्शन जो बाहर में जो वॉल लगी हुई थी, लेयर लगी हुई थी, मेम्ब्रेन लगी हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, वॉल बोले, तो लोग मिला के वर्ड देते हैं कि सेल वॉल, मतलब सेल वॉल टर्म गिवन बाय, सेल वॉल टर्म गिवन बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट टाइम सेल को देखने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, सेल वॉल को देखने वाले रॉबर्ट हुक, फर्स्ट प्लांट सेल रॉबर्ट हुक, फर्स्ट डेड सेल रॉबर्ट हुक। देन दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेन हुक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक एनिमल सेल को स्टडी किया, एनिमल सेल को स्टडी करके इन्होंने देखा कि क्या एनिमल सेल में भी कुछ ऐसा हुआ था, तो इन्होंने एनिमल सेल देखा, तो एनिमल सेल में इनको कुछ, मतलब फर्स्ट ये लिविंग सेल देख रहे थे, ठीक है। ये ज्यादा उसके बारे में बता नहीं पाए, बट बोले कि एनिमल सेल जब ये लिविंग के बारे में देखे, तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही कुछ हो यहाँ पे, हमें बस इतना याद रखना है इसके बारे में, लिविंग सेल में, फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व बाय एंटोन वॉन लिवेन हुक, फर्स्ट एनिमल सेल ऑब्जर्व बाय एंटोन वॉन लिवेन हुक। देन हमने सेकेंड पॉइंट, जो बी पॉइंट पढ़ा, वो थ्योरीज के बारे में पढ़ा। थ्योरीज में हमने तीन थ्योरीज के बारे में देखा। फर्स्ट थ्योरी था जिन्होंने दिया था मैथियस शेल्डन, जिनका नाम था, वो 1838 में जर्मनी के एक बोटेनिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो भी प्लांट होते हैं वो प्लांट प्लांट टिश्यू से बनते हैं, और प्लांट टिश्यू सेल से बनता है, और जो सेल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट में एक हार्ड लेयर होता है, एक हार्ड कवरिंग होता है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। मतलब उन्होंने नेचर बताया, हार्ड नेचर बताया, सेल वॉल का नेचर बताया, और उसी प्लांट टिश्यू से मिलकर पूरा प्लांट बना हुआ होता है। एक फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जस्ट उसके एक साल बाद थे, थियोडर श्वान। उन्होंने बोला कि जो भी सेल्स होते हैं, उन्होंने एनिमल के अंदर देखा, तो वो जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी एनिमल सेल होता है उनमें कोई खास हार्ड कवरिंग नहीं होता, बट हाँ ये भी एनिमल सेल भी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, एनिमल टिश्यू बोला उन्होंने, और इसी से पूरा एक एनिमल का ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो होता है पूरा ऑर्गेनाइज होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल टिश्यू के बारे में उन्होंने बात किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंस ऑफ, चूंकि वो जानते थे थियोडोर साहब का कहानी, मैथियस साहब का कहानी, तो उन्होंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर फॉर प्लांट्स, ठीक है, नॉट इन ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सेल थ्योरी दी, कि सेल सेल की थ्योरी दिया, उन्होंने बोला कि सेल्स मतलब जो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। फिर उन्होंने अपना थ्योरी को ले गए अपना ये कराने के लिए कि उसको बाकी उनका थ्योरी मान ले, साइंस लैब भी ले गया गया, लैब ले गया गया जहाँ पे थ्योरीज को मान्यता मिलती है। तो जब वहां पे ले गया, ले जाया गया, तो वहां पे क्या उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताओ कि सेल आता कहाँ से, वो बता नहीं पाए, फेल हो गए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आया इन 1856 के अराउंड, 1856 एक ऐसा ईयर है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ था, अराउंड 1850s मानते 1859 के आसपास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फुल्ली आ गया था। 1856 के अराउंड में उन्होंने क्या बोला, एक साइंटिस्ट रॉडर्ट विक्रो साहब आए थे, उन्होंने क्या बोला, रॉडर्ट विक्रो साहब ने बोला कि जो सेल्स होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। उन्होंने अपने लैंग्वेज में इसको दिया था डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने बोला था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मीनिंग क्या था, जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करते हैं, दो सेल्स में बढ़ जाते हैं, जिसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, मतलब एक पेरेंट सेल, एक जो पेरेंट सेल होता है ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ये हमारा पेरेंट सेल रहा और ये हमारे डॉटर सेल्स रहे, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से दो सेल्स बनते हैं, और ऐसे ये फर्दर फिर से टूटेगा, ये फिर से दो सेल्स में जाएगा,
ये फिर से टूटेगा, दो सेल्स में डिवाइड होगा, ऐसे करते करते क्या होता है, बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना शुरू होता है, एक मल्टी सेलुलर का बनना शुरू होता है। इसके बाद अपन अगर बात करें सेल की, तो अगर टाइप्स देखें अपन सेल की, टाइप्स, ये सी पॉइंट हमारा टाइप्स, अपन सेल को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक टाइप हमें जो लेंगे सेल का, वो लेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, जबकि जो सेकेंड वाला पॉइंट हम लोग लेंगे, वो लेंगे हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे बोल सकते हैं, या फिर सेल्स अरेंजमेंट बोल सकते हैं, सेल्स अरेंजमेंट के बेसिस पे। जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसमें दो तरीके के सेल्स हमें पढ़ने होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स। अगर सेल अरेंजमेंट की बात करें, तो इसमें फिर फर्दर दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक यूनिसेलुलर के बारे में एंड सेकेंड मल्टी सेलुलर के बारे में। हम लोग क्या किया, हमने सेल थ्योरी के बारे में देख रहे हैं, हमने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिवीजन कर सकते हैं, पहला पॉइंट मान लेते हैं इसको, पहला पॉइंट में क्या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, दूसरा पॉइंट मानते हैं कि सेल अरेंजमेंट के, मतलब सेल कैसे अरेंज है, अकेले अरेंज है, सिंगल अरेंज है, तो यूनिसेलुलर बोल देंगे, एक से ज्यादा अरेंजमेंट और डाई नहीं बोलेंगे, उस जगह मल्टी बोलेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे मोर देन वन सेल्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अरेंजमेंट के बेसिस पे और ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा, ये पॉइंट रहेगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड पॉइंट रहेगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब पहला एक नंबर पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, अगर टाइप्स में अपन आ गए, अभी कॉम्प्लेक्सिटी के हम लोग बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी में हमें पढ़ना था पहला वाला, जो एक नंबर पॉइंट हम लोग का था, वो था हमारा मतलब बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और उसमें सबसे फर्स्ट टाइम हमें पढ़ना था प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो अपन मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ प्रोकैरियोट्स का। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होता है, फिर आगे की बातें अपन हमेशा याद रखेंगे। जो एक प्रोकैरियोट है, पहले मैं एक जनरल सा एक आइडिया दे रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, उसके अभी देखेंगे डिटेल्स भी। अगर प्रोकैरियोट्स अपन देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, लेयर से सराउंडेड होगा, ये भी दो लेयर से सराउंडेड होगा, और दो से एक लेयर ज्यादा, मतलब तीन लेयर से भी हो सकता है। अब ये टिपिकल देखते हैं कि दो लेयर वाला सेल देखते हैं, जो आउटर मोस्ट में क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा, अब इसकी देखेंगे हम लोग, फिर अंदर में सेल मेम्ब्रेन रहेगी, और इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट। एग्जाम्पल किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा से लेके किंगडम एनिमेलिया, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जो चारों कैटेगरी है, मतलब कि जो सेल रहेगा वो डिपेंड करता है, अगर एनिमेलिया को छोड़ दे तो बाकी सब में भी यहां भी क्या रहेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगे, सेल वॉल यहां भी क्या रहेंगे, सब में प्रेजेंट रहेंगे, बट इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा, इनका जो डीएनए रहेगा, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा, क्या रहेगा, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा। बाद में बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अपन, इस मेम्ब्रेन को से क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा, इसको बोलेंगे यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको कौन सा आ जाते हैं, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक, ठीक है। अभी अपन देखते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में,
इस डायग्राम को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए, जिसके अंदर में कोई न्यूक्लियर वॉल, कोई स्पेशल वॉल प्रेजेंट नहीं है। साइटोप्लाज्म, नॉर्मल साइटोप्लाज्म में जिसका जेनेटिक मटेरियल घूम रहा है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। जिस भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स। सिंपल, इतना रखना याद रखें। इसको थोड़ा झाड़ देना बाहर में, देखते हैं अपन डायग्राम को लेके बात करते हैं अभी प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स, अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में एक आउटरमोस्ट कवरिंग जिसका नाम अपन देंगे यहां पे, इसका यहां पे नाम देंगे अपन सेल वॉल। कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे सबका, कॉम्पोजिशन एक सेपरेट से वीडियो पढ़ेंगे, उसका सबका कॉम्पोजिशन देखेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर पार्ट्स की बात करें तो पहला आ गया हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे कुछ स्पेस रहता है, उस स्पेस के जस्ट नीचे एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस स्पेस के नीचे और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कहीं कहीं प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में एक जो गैप आया है, दोनों के बीच में जो गैप आया है, पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी प्लाज्मिक स्पेस। अब जो सेल वॉल में सेल वॉल है, सेल वॉल फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है जो मैं बनाया हूं, एग्जैक्टली प्रोकैरियोट्स में ऐसे नहीं होते हैं। इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स जनरेट करते हैं। अंडर की तरफ क्या करते हैं, वर्टिकली वर्टिकली कुछ इनफोल्डिंग्स जनरेट करते हैं, वर्टिकली ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन, और इनका नाम देते हैं जो वर्टिकली साइटोप्लाज्म के तरफ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली साइटोप्लाज्म के तरफ ये टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म आते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं मेजोजोम। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, मेजोजोम। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सेल मेम्ब्रेन है उसका मॉडिफिकेशन है मेजोसोम। ये जो मेजोसोम होते हैं इन पे कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स लगे हुए होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स लगे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और यही एंजाइम्स और प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन कराते हैं। लेट सपोज करते हैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। ये मेजोसोम डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे कहीं कहीं। तो ये चीजें आगे अपन देखेंगे। रिप्रोडक्शन में मेनली पिली हेल्प करते हैं, मेनली मेनली पिली हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, पहला सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, अंदर की तरफ क्या होता है, वर्टिकली टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म ग्रोथ, वर्टिकल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं लोग, मेसोसोम बोलते हैं। जो वर्टिकल वर्ड है, ये आपका एआईपीएमटी का क्वेश्चन था कि उसका जो ग्रोथ है टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म में या फिर टुवर्ड्स पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, तो टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म होता है। डायग्राम से भी क्लियर है, ये आपका एआईपीएमटी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इस किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर में, मतलब किसी किसी प्रोकैरियोट्स के अंदर में, सेल वॉल के बाहर में भी
एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, सेलुलर के बाहर में भी एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं। सेल वॉल के बाहर में भी एक मेम्ब्रेन बनी हुई, ग्लाइको कैलिक्स। बट ग्लाइको कैलिक्स एक यूनिवर्सल लेयर नहीं बोल सकते प्रोकैरियोट के केस में, क्योंकि ये सब में प्रेजेंट नहीं होता है, किसी किसी स्पेसिफिक टाइप का प्रोकैरियोट से प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइको कैलिक्स भी फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। किसी में थिक प्रेजेंट रहते हैं, किसी में थिनली प्रेजेंट रहते हैं। तो बात करेंगे हम लोग आगे स्लाइम लेयर एंड हम लोग कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। किसी कोई कोई इसको कैप्सूल के नाम से रहता है, लेकिन इसको ग्लाइको कैलिक्स लेयर बोला जाता है। अगर ठीक रहता है तब उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, अगर थिन रहेगा तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। इसका आगे बात करेंगे हम लोग। अंदर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। अंदर वाले पार्ट को क्या बोले हम लोग, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये हमारा डीएनए वाला पार्ट हो गया। कैसा फॉर्म प्रेजेंट रहता है, हमेशा क्रोमेटिन के फॉर्म में, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल कुछ आरएनए बनाएंगी और ये आरएनए फर्दर चल के कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे। लेट सपोज करते हैं कुछ यहाँ पे इस तरीके के कोई ट्रायंगल शेप के प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो ये क्या हो गए, प्रोटीन्स बना रहे हैं ये। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर ऐसा जो कॉमन होता है, टाइप्स अलग होते हैं बट कॉमन होता है, एक और स्ट्रक्चर यूकेरियोट से सिमिलैरिटी दिखाता है, उसको अपन बोलते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। ये 70 टाइप के 70S राइबोसोम्स होते हैं, ये 70S राइबोसोम्स है। ये क्या हो गए, 70S के राइबोसोम्स हो गए। अब इसके जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल वाला एरिया को देखिएगा, जो इसका सेल वॉल वाला एरिया है, मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं, इसका जो सेल वॉल वाला एरिया, वहां पे कुछ स्पेशल आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हुए, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते स्पेशल टाइप का आउटग्रोथ निकलता है, फिर ये फर्दर ऐसे आता है और ये कुछ सर्टेन एंगल पे घूम जाता है। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फ्लैजिला। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं अपन फ्लैजिला। ये हमारा हो गया फ्लैजिला, ये हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला के अलावा और एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के पास से ही निकलते हैं और फ्लैजिला से छोटे होते हैं, इनको अपन बोलते हैं पिली या फिर पिली से भी एक छोटे और स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं। पिली से भी और छोटे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास से, उनको अपन बोलते हैं फिम्ब्री। जो पीली होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट्स के मेल में, किसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रोकैरियोट्स के मेल के लिए। और इसके लिए जिसके पास, जब ये डोनेट करता है अपने गैमेट्स को डोनेट करेगा कुछ, यहां से जब डोनेशन देगा जेनेटिक मटेरियल का या किसी चीज का, तब यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है F+। ये F+ का मतलब डोनर, डोनर का मतलब हो गया ये मेल प्रोकैरियोट का डायग्राम है। ये फिम्ब्री क्या फंक्शन करेगा, ये अटैचमेंट डिफेंस का फंक्शन, बट मोटिलिटी का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। एनकरेज क्या कर सकता है, डिफेंस क्या कर सकता है, बट मोटिलिटी का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा इसमें, सीखा अभी तक, अच्छा ये सब बातें ठीक है। जो ग्लाइको कैलिक्स की लेयर होती है, मैं फर्दर बताऊंगा इसको, अभी यहाँ पे सुनना है। जो ग्लाइको कैलिक्स की लेयर होती है ये प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड, या सॉरी ये क्या होते हैं, ये एक तरीके शुगर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, शुगर के कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड होते हैं। सेल वॉल इसमें इसका पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन सेम कॉम्पोजिशन होता है जैसा कि सेल
मेम्ब्रेन, यूकेरियोट्स का तो मतलब फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल का यहाँ पे हेप्नोइड्स बोलते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स, इंटीग्रल और एक्सटर्नल एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन वगैरह, जो कॉम्पोजिशन यूकेरियोट का सिमिलर वैसे रहता है। मेसोजोम एब्सेंट होते हैं यूकेरियोट्स में, जबकि प्रेजेंट होते हैं प्रोकेरियोट्स में। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में, प्रो एंड यू में। जो राइबोसोम होता है इसमें 70S टाइप होता है। 70S का मतलब हुआ कि जो राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलके बनता है, पहला सब यूनिट रहता है 50S एंड सेकेंड सब यूनिट 30S का रहता है। 30S 16S क्रोमो 16S राइबोसोम से बना रहता है, जबकि 50S जो हमारा राइबोसोम होता है ये बना होता है 23S एंड 5S आरआरएनए का मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आरआरएनए की बात करें तो आरआरएनए इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जनरली देखने को मिलते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं मिलते हैं। जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, बट ये सर्कुलर होता है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड कंडीशन में नहीं रहता है, ये सर्कुलर होता है। एक चीज यहाँ पे और प्रेजेंट होता है डीएनए का, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहीं बेचारा कहीं कोना में बैठा हुआ होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ये बैक्टीरिया का डिफेंस में समझ सकते हो कि बैक्टीरिया के लिए बना बनाया नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इसी का यूज करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके। प्लाज्मिड को वेक्टर में डालते हैं, वेक्टर से फिर अलग अलग प्लाज्मिड को निकालते हैं ग्रोथ करके। ये बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 की बातें। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक स्पेशल लार्ज स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला फ्लैजिला, जिसमें बेसल बॉडी और बाकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसको फ्लैजिला बोला। उसके बाद हमने बोला पिली। पिली एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मेल्स के अंदर में देखा जाता है। पिली जनरली फेमली से बड़े होते हैं और ये मेल होते हैं, और ये क्या करते हैं जब कुछ डोनेट करते हैं तो एफ प्लस का साइनर साइन दिया जाता है, मतलब कि ये डोनर है, मतलब मेल है। ये प्रोकैरियोटिक मेल का डायग्राम है। जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है जहां पे मेन एरिना, वहां पे सारे रिएक्शन चलते हैं, मेटाबोलिक एक्टिविटी चलते हैं, मेन एरिना होता है मेटाबोलिज्म का, ये सेमी लिक्विड फ्लूइड का होता है, कुछ सेमी लिक्विड मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब इसके अंदर जो है वाटर कंटेंट रहते हैं और कुछ लिक्विड मतलब हार्ड तरह के सब्सटेंस लिक्विड, और जैसे हनी लाइक थिक लिक्विड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर के साथ में, इसे सेमी लिक्विड बोलते हैं। जो इसका मेजोसोम वाला एरिया होता है वो सिमिलर होता है यूकैरियोट्स से। ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट का ऐसा कौन सा पार्ट यूकैरियोट को रिजेंबल करता है। मेसोसोम क्या करता है कि सारे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, किसी चीज का लेन देन का प्रोडक्ट ये करता है, प्रोडक्शन का मतलब लेन देन में काम आता है। और एक ऑप्शन आपको और मिलेगा उसके साथ में, राइबोसोम। हम कंफ्यूज हो जाते हैं राइबोसोम को देख के कि सर राइबोसोम क्यों नहीं होगा ये और मेसोसोम क्यों होगा। राइबोसोम का टाइप्स अलग है, यहाँ पे देख रहे हो 70S, जबकि यूकैरियोट्स की बात करो तो उसमें क्या 80S राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट बट दोनों का टाइप्स अलग अलग है। बट जो मेसोसोम है ये सिर्फ यूकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है और सिर्फ प्रोकैरियोट्स से प्रेजेंट रहता है इसी, और यही रिजेंबल करता है यूकैरियोट के मैक्सिमम स्ट्रक्चर के साथ में, रिजेंबलेंस दिखाता है खास तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मैट्रिक्स के साइड में, इनर वॉल की तरफ ये सिमिलरिटी दिखाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है, एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंद करते थोड़ा पानी देना। इसके अलावा एक और हमें देखने को मिलता है स्पेशल स्ट्रक्चर, कहीं भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, इनको बोलते हैं ये फूड स्टोर करते हैं, और आप सब इनका नाम जानते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या रहता है ये? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट रहता है प्रोकैरियोट्स के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है, एक बिना मेम्ब्रेन सराउंडेड मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर रहता है। दूसरी बात, इनमें से जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे किसी भी तरीके का, सुनो, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर में हमें सबको पता है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, यूकैरियोट्स में क्या मिलता है,
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, अलग 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 चीजें, डिफरेंट टाइप की चीजें देखने को मिलती है मेम्ब्रेन बाउंड्री। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्यों नहीं देखने को मिलेगा, एक रीजन आप समझ सकते हो सिंपल थोड़ा सा, बस यहाँ पे गोल्जी बॉडी एब्सेंट है। किसी भी मेम्ब्रेन का जो भी फॉर्मेशन होता है कौन कराता है, गोल्जी बॉडी कराती है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी नहीं है बट उसका फंक्शन हो रहा है। एक चीज और समझते हैं हमें, यहाँ पे अपन जो बनाए इस डायग्राम पूरा, इस डायग्राम में जो अपन मेजोसोम दिखाए, जो मेजोसोम हम लोग दिखा रहे हैं, ये मेजोसोम कब देखो, सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, सबका रूप अलग अलग है। ये देखो आप, ये जो दिख रहा गोल सा थैला जैसा, इसको बोलते हैं वैसिकल। ये वैसिकल टाइप का मेजोसोम हो गया। ये देखो लैमिना जैसा दिख रहा कुछ, ये इसको बोलते हैं लैमिनर। ये लैमिनर वेसिकल हो गया। इसको देखो ट्यूब्यूल जैसा ये सब दिख रहा, ये हो गया ट्यूब्यूलर वेसिकल। कैसा वेसिकल हो गया, ट्यूब्यूलर वेसिकल हो गया। तो वेसिकल ट्यूब्यूलर ये हो, मेसोसोम हो गया, लैमिनर मेसोसोम, ये वेसिकल मेसोसोम। तो क्या देख रहे हैं, मेसोसोम का भी तीन अलग अलग टाइप है। और बात समझिए, मेसोसोम जो होता है वो नीचे टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स आता है, कहाँ तक आएगा, ये एक्सटेंड करेगा अप टू जेनेटिक मटेरियल के आसपास के एरिया तक। हम लोग बोलते हैं देखो ये साइड में है ना, ये पेरिफेरल मेसोसोम हो गया, ये साइड वाला है ना पेरिफेरल मेसोसोम, ये सेंट्रल मेसोसोम। हो सकता है कि मैं यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ बनाया हूँ, वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या बनाया, न्यूक्लियस। हम लोग का दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होते हैं, ये मैं बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का दैट मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस आप नहीं बोलेंगे इसको, बट न्यूक्लियस है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए है, क्रोमेटिन है। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स से कैसे प्रेजेंट होते हैं। मेजोसोम्स के बारे में हम लोग अभी ने एक पॉइंट डिस्कशन किया था कि जो मेजोसोम होता है वो मेजोसोम क्या रहते हैं, कि डीएनए का रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, कुछ जो मेजोसोम होते हैं डीप आ जाते हैं, टुवर्ड्स डाउनवर्ड आ जाते हैं, ये डाउनवर्ड कुछ मेजोसोम्स आ जाते हैं, और यहाँ जहां तक आएंगे, जब तक आएंगे तब तक, जब तक कि ये न्यूक्लियोइड जो है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसका, ये क्रोमेटिन मटेरियल के पास ना पहुंच जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियो मेजोसोम। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रली लोकेटेड मेजोसोम। सेंट्रली वर्ड इसलिए यूज किया कि उसको सेंटर हम लोग जनरली क्या मानते हैं, सेंटर की तरफ, जरूरी नहीं कि सेंटर की तरफ अलग भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, न्यूक्लियोड हो सकता है। दूसरा बात करते हैं, इसका जो डबल स्टैंडर्ड इसका सर्कुलर डीएनए वाला पार्ट था, ये मैं बनाया हूँ क्रोमैटिन, बट इसमें ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है, इसमें हमें फॉल्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, इसमें मतलब प्रोकैरियोट का केस में फॉल्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, और ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, मैं ये सारी चीजें बाद में लिखाऊंगी, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की जगह में नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉलीएमाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और अगर आगे बात करें तो ये हमारा प्लाज्मिड जो था, ये हमारा प्यारा छोटा सा जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, इसको इस न्यूक्लियोइड से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकता, अकेले रेप्लिकेट कर सकता है, इसको इससे किसी तरह का लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, ये बाकी सब जो भी बातें थे हमने सीख लिया है। यहाँ पे न्यूक्लियोइड का अलग अलग नाम है, वो सब आगे डिस्कशन करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेल वॉल के बारे में। एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि पूरा अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या पढ़ा। प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, एक सेल वॉल डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक कभी कभी किसी अलग अलग प्रोकैरियोट्स में एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मिलता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ट्रांज्यूम करना इसको क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन रहता है उसमें बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो पर्पल कलर चॉक्स में दिखाया हूँ। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल रहता है, सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना हुआ होता है, उसके जस्ट नीचे लिपोप्रोटीन का बना हुआ जो यूकेरियोट के सेम टू सेम कंपोजिशन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जो सेल वॉल रहता है उसमें मॉडिफिकेशन आते हैं, इनफोल्डिंग्स आ जाते हैं, सरफेस एरिया सेल वॉल का बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं मेजोसोम। ये मेजोसोम तीन तरीके का हो सकता है,
हो सकता है कि वेसिकल्स के फॉर्म में हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हो सकता है कि लेमिना के फॉर्म में हो सकता है कि ट्यूबुल के फॉर्म में हो, तीन टाइप के होते हैं। अगर उसके अंदर हम लोग चले तो अंदर साइटोप्लाज्म, सेमी लिक्विड फ्लूइड जो हम लोग को मिलता है, सेमी लिक्विड मैट्रिक्स जो हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एक्टिविटी चलते रहते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्लूजन बॉडीज जो कि फूड स्टोरेज करते, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते प्रोकैरियोट्स का, राइबोसोम 70S टाइप के देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड अलग से एक प्लाज्मिड देखने को मिलता है जो कि इंडिपेंडेंटली खुद से अपना रेप्लिकेशन सर्वाइवल कर सकता है खुद से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोइड देखते हैं, न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं कि सिंगल क्रोमेटिन का फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है। ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, उनके प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ पर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर है। अगर इसके जस्ट थोड़ा बाहर चले तो स्पेशल टाइप के कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, पिली प्रेजेंट हो सकता है, ये मेनली रिप्रोडक्शन के लिए प्रेजेंट रहता है, ये जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा क्या फिमरी का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आगे अपन इसमें बात करें, अगर इसमें अगर अपन बात करें, ठीक है, ये यहां तक का डायग्राम रहा, ठीक है। अगर इसमें आगे अपन बात करें, कहाँ गया रे चौक, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, अगर अपन बात करें इधर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स ये दो लेयर्स में हो सकते हैं, दो तरीके को हो सकते हैं। हमने एक बोला ठीक